नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हमें लाइव देख पा रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर है अभी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिरकार संजीव हंस पर जो है वो गाज गिर गई है। और बिहार सरकार के IAS अधिकारी नीतीश कुमार के नाक के बाल माने जाने वाले अधिकारी संजीव हंस पर कार्रवाई के लिए आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा है। पिछले 15 दिनों से संजीव हंस के कारनामे लगातार चर्चे में थे और संजीव हंस को लेकर जो कहानियां सामने आ रही थी वो हम आपको बता रहे थे। और आखिरकार संजीव हंस पर सरकारी गाज, बिहार सरकार की गाज गिरी है। सवाल हम बार बार उठा रहे थे कि रेप जैसे जघन्य मामले के अपराधी जिसके खिलाफ जो है पटना पुलिस ने रेप के आरोप को सही पाया है, जिसके काले कारनामों का काला चिट्ठा जो है वो लगातार ईडी खोल रही है, इसके बावजूद वो अधिकारी अपने पद पर कैसे बना हुआ है। अब जो हमारे पास लेटर आया है वो लेटर बता रहा है कि संजीव हंस पर जो है वो गाज गिर गई है, संजीव हंस पर कार्रवाई हो गई है। बिहार सरकार ने संजीव हंस पर कार्रवाई की है और ये खबर बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये खबर लेकर आपके सामने आए हैं कि संजीव हंस पर कार्रवाई हो गई है। हम आपको बता दें ये बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अभी कुछ देर पहले यह अधिसूचना निकाली गई है कि संजीव हंस भारतीय प्रशासनिक सेवा 1997 बैच के प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग बिहार पटना, इसके साथ साथ अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक बिहार पावर स्टेट होल्डिंग कंपनी प्राइवेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके सभी पदों और अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। संजीव हंस बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे, यानी संजीव हंस काली कमाई के जो है वो जो एक तरीके से जिनको सरगना ईडी ने साबित कर दिया था, ईडी साबित करने में लगी है, ईडी की छापेमारी जिस पर हुई, जो अधिकारी ईडी के डर से अपने घर में छुप गया था, जिसके रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं, जिसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आते जा रहे हैं, एक एक कर हम फैक्ट बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। करीब 15 दिन पहले संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। संजीव हंस के साथ साथ गुलाब यादव जो आरजेडी के पूर्व विधायक है और उनकी पत्नी जो है वो LLC है, उनकी पुत्री जो है गुलाब यादव की वो मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है, उनके ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी। और ईडी ने छापेमारी के दौरान संजीव हंस के ठिकाने से ढेर सारे जो है संदिग्ध दस्तावेज, जमीन के कागजात, ये तमाम चीज जो है वो बरामद किया था। और इसमें जो है वो उसके बाद उस सिलसिले उस कागजातों के आधार पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखी। अगले दिन बिहार के बड़े कॉन्ट्रेक्टर जिसके पास 9,000 करोड़ का लगभग काम है बिहार में, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। बताया जाता है कि SP सिंगला जो है वो संजीव हंस से काफी निकट थे और ईडी को यह शक था कि SP सिंगला के जरिए जो है, और ईडी को के समक्ष एक गवाह ने बयान दिया कि SP सिंगला के जरिए संजीव हंस ने अपनी काली कमाई को जो है वो छिपाया है, वो काली कमाई को जो है वो जो है इन्वेस्ट किया है, वाइट किया है। तो SP सिंगला के घर पर छापेमारी हुई, लगातार छापेमारी होती गई। संजीव हंस के साले को कल पुलिस से ईडी ने धर दबोचा, संजीव हंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है वो पुलिस से धर दबोचा, माफ करेंगे, ईडी ने धर दबोचा। इसके अलावा संजीव हंस के एक और करीबी व्यक्ति प्रवीण चौधरी से करीब पूछताछ हुई। ये वही प्रवीण चौधरी है जो जिसके बंगले में जो कहा जा रहा है, ईडी को जानकारी मिली है कि दिल्ली में एक आलिशान बंगला संजीव हंस ने जो है खरीद रखा था, वो प्रवीण चौधरी के नाम पर था, कई और प्रॉपर्टी को अटैच किया, कई और प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी ने अपने छानबीन में पाया कि प्रवीण चौधरी के नाम से खरीदी गई। प्रवीण चौधरी से पूछताछ हुई, RLSP जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके कोषाध्यक्ष जो है वो सुनील सिन्हा से पूछताछ हुई और सुनील सिन्हा ने स्वीकार किया ईडी के सामने कि हाँ, हवाला से पैसा संजीव हंस ने भेजा था, हवाला से पैसा भेजने का काम संजीव हंस कर रहे थे। ये तमाम तथ्य एक एक करके सामने आ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार कान में तेल डाल के सोई थी, क्योंकि राज्य सरकार को यह डर था
कि संजीव हंस पर कार्रवाई करेंगे, तो संजीव हंस के बहाने राज्य सरकार, जो बिहार सरकार, नीतीश सरकार है, जो पाक साफ होने का दावा करती है, उसकी कई कलई खुल जाएगी। क्योंकि संजीव हंस अगर बिजली विभाग के, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर बैठकर, या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी पद पर बैठकर अगर काली कमाई कर रहे थे, तो क्या यह सब मुमकिन है कि राज्य सरकार का दूसरा कोई व्यक्ति आंख मूंद कर बैठा था, जो गवाह ने, जो पुलिस के सामने गवाह ने, जो ईडी के सामने गवाही दी, उसमें यह कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो बिहार में लगाया गया उसमें बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई। गवाह ने गवाही दी कि बिहार में जितने बिजली बोर्ड से, बिजली से संबंधित काम हुए, क्योंकि संजीव हंस उन तमाम चीजों के मालिक थे, उन तमाम काम में जो है बड़े पैमाने पर जो है धांधली हुई, कमीशन खोरी हुई, और संजीव हंस ने अकूत संपत्ति बनाई। संजीव हंस ने अपनी पत्नी हरलवलीन कौर के नाम पर पुणे में जो है पेट्रोल पंप खोला, वो पेट्रोल पंप गुलाब यादव के साथ साझेदारी में था, और फिर बाद में वो पेट्रोल पंप को जमीन समेत हरलवलीन कौर, जो संजीव हंस की पत्नी है, उन्होंने खरीद लिया। ऐसी ढेर सारी बातें सामने आई, संजीव हंस के साले की संलिप्तता सामने आई। संजीव हंस कई जगह पैसा जो निवेश कर रहे थे, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ ईडी की छापेमारी पड़ी, और जो हमारे जानकारी है, ईडी ने इन तथ्यों से राज्य सरकार को अवगत करा दिया था, और आखिरकार अब राज्य सरकार की नींद खुली है। क्योंकि जो चर्चा है कि संजीव हंस को सत्ता शीर्ष से संरक्षण प्राप्त था, संजीव हंस जब भी रहे, आपको हमने बताया कि 2023 में, हम पहले बता चुके हैं कि 2023 में जब संजीव हंस को जो है वो संजीव हंस पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप पुलिस ने, पटना पुलिस के एसएसपी ने, पटना पुलिस के सचिव एसपी ने सही पाया, उसके बावजूद सरकार ने न सिर्फ बिजली का जिम्मा, विभाग का जिम्मा, बल्कि उसके साथ साथ पीएचईडी विभाग का जिम्मा भी संजीव हंस को दे दिया था। यानी मलाई पर मलाई संजीव हंस को खाने का मौका मिला, और पीएचईडी में संजीव हंस के रहते जो ठेके हुए, उसी ठेका को, उन ठेकों को राज्य सरकार ने जो है बाद में अभी जब जांच की तो पाया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। तो लगातार जो मलाई खा रहे थे संजीव हंस, उस मलाई की सारी कहानी एक एक करके वापस एक एक करके सामने आ रही थी, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब जो राज्य सरकार के सामने जो जब तक आए, जब लगा राज्य सरकार को कि अब हम संजीव हंस को नहीं बचा सकते हैं, तो संजीव हंस का ट्रांसफर कर दिया गया है, उनसे बिजली विभाग का जिम्मा जो है वो ले लिया गया है। हम आपको बता दें संजीव हंस का पावर क्या था। संजीव हंस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी थे, यानी बिहार में बिजली से संबंधित जितना भी काम है, जो कोई भी काम है, आप समझ लीजिए बिजली का बिल वसूली हो, मीटर लगाना हो, जो कोई भी काम हो, वो बिहार में बिजली बोर्ड पहले हुआ करता था, अब वो बोर्ड पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड हो गई है, और उसके सीएमडी संजीव हंस बनाकर रखे गए थे। तो सीएमडी के काम में सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। तो संजीव हंस को ऐसी जगह पर बिठा कर रखा गया था जहां पर वो जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, और गवाहों ने जो गवाही दी पटना पुलिस के सामने, गवाहों ने जो गवाही दी ईडी के सामने, वो ये कहा कि संजीव हंस जमकर कमीशन खोरी कर रहे थे। और ये बात अभी सामने नहीं आई, ये बात पिछले साल 2023 के अप्रैल में सामने आई थी, जब एक गवाह ने पुलिस, पटना पुलिस को बताया था कि संजीव हंस ने बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी की है। उसी समय पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस मामले की जांच जो है कहा कि यह बड़े पैमाने पर आर्थिक लेनदेन का मामला है, तो इसकी जांच जो है स्पेशल विजिलेंस यूनिट से करानी चाहिए। ये तमाम पुलिस की रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार के पास थी, इसके बावजूद मलाईदार पोस्टिंग लगातार संजीव हंस को दी जा रही थी। संजीव हंस ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे ठेके पट्टे के बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटर लगाने के, और आप लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसमें क्या कुछ खेला हो रहा है। ये तमाम चीजें जो हो रही थी, इस पर नीतीश सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि आजकल सरकार जो चला रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार के बदले में, नीतीश कुमार का नाम है सिर्फ, और काम जो है वो चलाने का काम जो है वो कोई दूसरे अधिकारी कर रहे हैं, एक रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं, और उनका खासा संरक्षण जो है वो संजीव हंस पर था। और संजीव हंस की सारी जो है करतूतें जब सामने आई, आखिरकार आज राज्य सरकार ने जो है उन्हें पद से मुक्त किया है। बिजली बोर्ड के जो है बिजली से संबंधित जो पावर होल्डिंग कंपनी है, और ऊर्जा विभाग में जो संजीव हंस को पद मिला था, वहां से हटाकर
समाज प्रशासन विभाग में भेज दिया गया है, यानी कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। लेकिन अभी संजीव हंस की काली कमाई का, काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा जो है सामने आना बाकी है। और हमारे पास खबर मिल रही है कि ईडी ने संजीव हंस को समन भेज दिया है। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि ईडी ने संजीव हंस को समन भेजा है और संजीव हंस को पूछताछ के लिए बुलाया है और संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और संजीव हंस की गिरफ्तारी कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने संजीव हंस के परिजनों, संजीव हंस के साले, संजीव हंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट, संजीव हंस के जितने जो करीबी लोग थे तमाम लोगों से पूछताछ की है। ईडी ने एसपी सिंगला ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है उनसे, उनके और उनके लोगों से पूछताछ की है और तमाम पूछताछ के बाद ये शिकंजा कस गया है। अभी राज्य सरकार ने मजबूरी में कार्रवाई की है लेकिन अब संजीव हंस जो है वो उन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और वो जेल भेजे जा सकते हैं। हमारे पास खबर आ रही है कि ईडी ने अभी, हमारे पास जो खबर आई है हमारे सहयोगी जो दे रहा है कि ईडी ने जो है वो संजीव हंस को जो है वो पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। यानी आप जानते हैं ट्रेडिशन ऑफ ईडी का, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था जहां पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अरेस्टिंग हुई, हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अरेस्टिंग हुई, तो संजीव हंस अब अरेस्ट कर लिए जा सकते हैं, ये पूरी संभावना आप दिख रही है क्योंकि उनकी सारी काली करतूत जो है वो सामने आ गई है। कुल मिलाकर हम कहें तो राज्य सरकार ने अभी कार्रवाई की है लेकिन ये कार्रवाई तब हुई है जब राज्य सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच गया था। नीतीश कुमार को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बच गया था। और जो खबर आ रही है कि ईडी ने राज्य सरकार को संजीव हंस की काली करतूतों के बारे में जानकारी दे दी है और उसके बाद अब जो है संजीव हंस को जो है वो जो सरकारी जिम्मा जो बलात्कार पोस्टिंग मिली हुई थी वहां से हटाई गई है। लेकिन अगले एक दो दिन बेहद अहम हो सकते हैं और संजीव हंस की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो संजीव हंस जो है वो अब मुसीबत में पड़ते दिख रहा है। मलाल देखिए वो संजीव हंस का आप देखेंगे लगातार बिहार में, वो जब वो डीएम रैंक के अधिकारी थे तो सुपौल मधुबनी से लेकर तमाम जिलों के जो है वो डीएम रहे और उसके बाद जब उनका बाद में वो केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पीएस बनकर चले गए थे और जब केंद्रीय प्रतिनिधि से वापस लौटे तो सरकार ने लगातार मलाईदार पोस्टिंग की। नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें जल संसाधन विभाग का प्रभार दिया गया था, वहां से हटाकर बिजली विभाग का प्रभार दिया गया, बिजली विभाग के साथ साथ पीएचडी विभाग का प्रभार दिया गया। यानी जितनी मलाईदार पोस्टिंग नीतीश सरकार दे सकती थी किसी अधिकारी को उतनी मलाईदार पोस्टिंग संजीव हंस को दी गई। और बार बार जब ईडी का रेड हुआ, ईडी की रेड के बावजूद जो उससे पहले उन पर 2022 से ही एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, उस महिला ने पूरे नीतीश कुमार से लेकर सारे एसपी और सारे पुलिस पदाधिकारियों के पास पत्र लिखा, कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने कोर्ट में आवेदन दिया और कोर्ट के आदेश पर संजीव हंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में पटना पुलिस ने यह पाया कि संजीव हंस ने रेप किया था। संजीव हंस पर रेप का आरोप सही है। ये 2023 के अप्रैल में पटना पुलिस के पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में यह बात लिखी, संजीव हंस के काली कमाई की बात उस रिपोर्ट में आई। इसके बावजूद सरकार संजीव हंस को प्रश्न देते रही और अब जाकर मजबूरी में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो संजीव हंस पर जो है वो कार्रवाई राज्य सरकार ने की है और कार्रवाई नहीं की है, संजीव हंस को आप एक तरीके कार्रवाई कह सकते हैं लेकिन ट्रांसफर करके जो पद से हटा दिया है, पद से मुक्त कर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग में जो है वो पोस्टिंग कर दी गई है। तो ये संजीव हंस और संजीव हंस ही नहीं, ईडी के पास संजीव हंस के बहाने कई और अधिकारियों के काले चिट्ठे जो है वो सामने आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, चाहे बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो, और दिल्ली की जो डबल इंजन वाली सरकार है वो छोटे इंजन पर डिपेंडेंट है। और हमारे पास जो हम शुरू दिन से कर रहे हैं हमारे पास जो खबर आ रही है इस मामले को रफा दफा करने की ढेर सारी कोशिशें हुई है कि कम से कम एक संजीव हंस तो फंसे लेकिन दूसरे अधिकारी न फंसे। लेकिन ये सर्वविदित है कि संजीव कि बिहार के तीन अधिकारी उनके बारे में भी ईडी को खबर मिली है। सवाल है कि ईडी उन पर कार्रवाई करती है कि नहीं, ये देखने की बात होगी। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब
दिल्ली में शराब घोटाले में घोटाला होता है और वहां जब अधिकारियों के लेवल पर घोटाला होता है तो वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है, कार्रवाई होती है। झारखंड में झारखंड के सीएम पर कार्रवाई होती है। बंगाल में कहा जाता है कि अधिकारी अगर भ्रष्ट है, अधिकारी दोषी है तो ममता बनर्जी भी दोषी है। तो बीजेपी के नेता आखिरकार ये बोलने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं तैयार है कि संजीव हंस जब काली कमाई के बादशाह है तो उनको प्रश्न किसने दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और हम आपको बता दें, बार बार लोग लिख रहे हैं, तमाम आप देखिए मीडिया की हालत, तमाम लोग चुप्पी साध कर बैठे थे। आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट किस लेवल का था। और उस मैनेजमेंट में हमने कहा था कि दुनिया में कोई टकसाल नहीं बनी है जो हमें खरीद पाए, और कोई टकसाल नहीं ऐसी हुई जो हमें खरीद पाई। जो हमें खबर आई हमारे पास वो हमने खबर आपको बताई। तो संजीव हंस के काले कारनामे एक एक करके बाहर आ चुके हैं। और आखिरकार आज राज्य सरकार को यहाँ पर, तो कुछ दिन पहले जब हमारी टीम ने बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को पकड़ा और पूछा उनसे कि संजीव हंस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो ऊर्जा पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, तो ऊर्जा मंत्री ने तब कहा था कि संजीव हंस जब दोषी कोर्ट से पाए जाएंगे तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यह स्थिति है संजीव हंस की, किसकी करुतवा था। लेकिन आखिरकार जब कोई चारा नहीं बचा तो संजीव हंस के खिलाफ, संजीव हंस को पद से हटाया गया है। लेकिन पद से हटाना कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी भ्रष्टाचारी, किसी रेप के आरोपी अधिकारी के लिए। सवाल ये उठता है कि संजीव हंस पर और कार्रवाई कब होगी? ये अगर शायद दूसरे किसी अच्छे बेहतर शासन वाले राज्य में होते तो अब तक सस्पेंड कर दिए जाते, जिनके खिलाफ इसी राज्य की पुलिस कह रही है कि ये रेप के आरोपी है और ये आरोप इन पर लगा हुआ वो सही है। ये समझिए कि अगर किसी वाकई अगर सही शासन वाले राज्य में होते तो फिर जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती। या तो सरकार पटना के एसएसपी पर कार्रवाई करे, अगर सरकार को ये लगता है कि पटना के एसएसपी ने अपने जांच में, अपने अनुसंधान में ये गलत लिखा है कि संजीव हंस रेप के आरोपी है और सही है उन पर आरोप, अगर पटना के एसएसपी ने लिखा कि इन पर बड़े पैमाने पर घुसखोरी का आरोप लगा है और इसकी जांच जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट से करानी चाहिए, तो पटना के एसएसपी अगर गलत थे जिन्होंने अप्रैल 2023 में ये दिया था, जो है वो ये जो है वो ये सुपरविजन रिपोर्ट दी थी, उससे पहले अप्रैल के शुरुआत में ही पटना के सिटी एसपी वेस्ट जो है उन्होंने सुपरविजन रिपोर्ट दी थी। तो सब अधिकारी जब कह रहे थे कि संजीव हंस के पर भ्रष्टाचार का आरोप है, संजीव हंस पर रेप का आरोप जो है वो सही है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार अगर संजीव हंस को मान रही थी कि वो बलात्कार पोस्टिंग के हकदार है तो फिर उनके खिलाफ जो है वो पुलिस की रिपोर्ट से गलत थी, तो पुलिस को सरकार को जो है पटना के एसएसपी और पटना के सिटी एसपी में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रही। तो संजीव हंस का कनेक्शन जो है वो जग जाहिर है, बोले या ना बोले, ये पूरा पटना का सियासी गलियारा जो है, प्रशासनिक गलियारा जानता है कि संजीव हंस से कनेक्शन कहां तक जुड़े थे और आखिरकार क्यों संजीव हंस को लगातार मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही थी। लेकिन आखिरकार जब लगा कि ईडी का शिकंजा इस कदर कस गया है कि अब संजीव हंस को बचाना नामुमकिन है, और संजीव हंस को अगर ज्यादा बचाया तो फिर हमारा गला फंस जाएगा। हम आपको वैसे बता दें कि आप समझिए कि चारा घोटाला मामले में क्या हुआ था। लालू यादव पर आरोप था कि वो कोषागार से ट्रेजरी से पैसा निकाल रहे थे। जी नहीं, लालू यादव पर आरोप लगा था कि लालू यादव ट्रेजरी से अवैध पैसा निकालने वालों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको संरक्षण दे रहे। तो सत्ता में बैठे लोगों को लगा कि अगर अब संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई हमने नहीं की तो जो हम पर यही आंच आएगी कि हमने भ्रष्ट रेप के आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद ये मजबूरी की कार्रवाई की गई है और आखिरकार संजीव हंस पर जो है वो गाज गिरी है। संजीव हंस को जो है वो अभी पद से हटाया गया, सस्पेंड नहीं किया गया है। सस्पेंशन शायद सरकार अभी इंतजार कर रही है कि ईडी अरेस्ट कर ले तो सस्पेंशन होगा, लेकिन ये बिहार के इतिहास में काला धब्बा लग गया है। ये बिहार का पहला वाकया है जब किसी इस तरह के आईएएस अधिकारी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। और इसके बावजूद सरकार, नीतीश सरकार, सुशासन वाली सरकार, हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो करप्शन, जीरो जो है वो टॉलरेंस है। ऊपर बैठी सरकार डबल इंजन के दूसरे बड़े इंजन, उनका दावा कि न हम खाते हैं न खाने देते हैं। भाई साहब, संजीव हंस के खिलाफ जो ईडी को सबूत मिले उसमें एक तस्वीर मिली है जहां नोटों का बंडल गिना जा रहा, और ये सब राज्य सरकार के नॉलेज में था, चुकी है पुलिस के पास पहले से थी बात। तो कौन खा रहा था, कौन खिला रहा था, ये सारी बात पुलिस की जानकारी,
सरकार की जानकारी में थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की और सरकार तब तक बैठी रही जब तक कि संजीव हंस को सबूत फिर मिटाने का पर्याप्त मौका मिले अपने डिपार्टमेंट में बैठकर। लेकिन ईडी ने इतने करीने से आप कह सकते हैं कार्रवाई की है कि सबूत मिटाने का जो है मौका संजीव हंस को शायद ही मिल पाया होगा। वैसे संजीव हंस ने आरोपी रेड ईडी की रेड होने के बाद कई आदेश बिजली विभाग ने निकाले हैं और वो आदेशों की पड़ताल की जा रही है। संजीव हंस वैसे जब ईडी की रेड जब उनके घर पर हुई थी तो वो अपने घर में जा घुसे थे और दरवाजा बंद कर लिया था उन्होंने। ईडी को दरवाजा तोड़कर संजीव हंस के घर में घुसना पड़ा था। तो ऐसे महान अधिकारी को सरकार कब तक उपकृत करती, यह हम वेट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। आखिरकार सरकार ने आज जो है ऐसे महान अधिकारी जो ईडी के रेड पड़ते ही ईडी के डर से पहले ईडी की टीम को सुरक्षा कर्मियों से रुकवाए अपने और उसके बाद घर में जाकर छिप जाए, दरवाजा बंद कर ले और फिर दरवाजा तोड़कर ईडी की टीम को घुसना पड़े। आप समझिए कितना बड़ा जो है वो कितने जो है महान अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे। इनके काली करतूतों की लंबी फेरिस्त है ईडी के सामने। आपको क्या सब बताए, आपको हम बताए कि पूरी संपत्ति का विवरण मिला है, आपको बताए कि संजीव हंस के विदेश यात्रा का ढेर सारा विवरण मिला है। हम आपको बता दें कि सरकार का चपरासी भी अगर होता है उसको विदेश जाने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, चाहे वो निजी यात्रा पर जाए या सरकारी यात्रा पर जाए। तो बगैर सरकार के परमिशन के संजीव हंस के कई विदेश यात्राओं का जो है वो रिकॉर्ड मिला है ईडी को। संजीव हंस की हर देश के हर आईएएस अधिकारी को जो है अपनी संपत्ति हर साल घोषित करनी पड़ती है और नीतीश कुमार ने जो खास तौर पर ये लागू कर रखा है कि बिहार के हर आईएएस अधिकारी को जो है अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। उनके घर से ही 1100 ग्राम सोना बरामद हुआ, कम से कम आप कहें कि करोड़ों की घड़ियां बरामद, रोलेक्स घड़ी, एक घड़ी की कीमत कम से कम 7 लाख होती है और फिर करोड़ों में उसका दाम जाता है। रोलेक्स घड़ी 6 घड़ी वहां से ईडी बरामद करके ले गई। तो आप सोचिए कि संजीव हंस, ये सब प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो संजीव हंस ने कहीं इसकी घोषणा नहीं कर रखी थी। तो ये तमाम काले करतूत सामने आने के बावजूद बिहार सरकार संजीव हंस को संरक्षण देने में लगी थी, लेकिन आखिरकार अब लगा कि सरकार को कि ज्यादा दिनों तक हम बचा नहीं सकते, तो संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई की गई है और संजीव हंस को जो है वो आज पद से हटा दिया गया है। हम लेटर ये है, हम एक बार फिर से हमारे दर्शक जुड़े हैं वो हम बता दें कि थोड़ी देर पहले राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना निकाला है। कृषि संजीव हंस भारतीय प्रशासनिक सेवा के 97वें बैच के अधिकारी, जो प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग पटना के साथ साथ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना के पद पर प्रस्तापित थे, उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पद और अतिरिक्त प्रभार के दायित्व से मुक्त किया जाता है। संजीव हंस जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे और संदीप पौंडिक जो उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव है वो अगले आदेश तक मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ये कुछ देर पहले सरकार ने आदेश निकाला है और आदेश तब निकाला है जब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। अब सरकार के पास रास्ता कुछ नहीं बचा है और हमारे पास खबर आ रही है ईडी ने सम्मन भेज दिया है संजीव हंस को सब हाजिर होने के लिए और संजीव हंस के खिलाफ कभी भी संजीव हंस की गिरफ्तारी की जा सकती है। संजीव हंस के खिलाफ सारे सबूतों का चिट्ठा जो है ईडी को मिल चुका है। हम आपको बता दें कि संजीव हंस के साले ने कई राज उगले हैं, संजीव हंस के सीए ने 3 सीए भाई साहब। बिहार सरकार का एक अधिकारी आईएएस अधिकारी 3 सीए को रखता है, आप समझ सकते हैं वो अधिकारी कितने पैसे का लेन देन करता होगा। ईडी को यह खबर मिली है कि विदेश तक में संपत्ति खरीदी गई। आप सोचिए बिहार के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए जिससे हम बिहार का विकास कर सके और वहां अरबों अरब की लूट हो रही है एक अधिकारी द्वारा। आप सोचिए एक अधिकारी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट हो रही है तो आप समझिए कि बिहार का पैसा कहां जा रहा है और पैसा मांगा जा रहा है इससे, क्योंकि अधिकारी लूट ले तो संजीव हंस जैसे अधिकारी जो है उस पैसे से अकूत संपत्ति अर्जित कर ले। और सरकार कहती रहे, नीतीश कुमार कहते रहे ये सुशासन की सरकार है, हम ना किसी को फंसाते और ना बचाते हैं, तो संजीव हंस का सारा मैनेजमेंट फेल हुआ। ये वही संजीव हंस है, आपको बता दें कि इनका आप जब आप लोग सब लोग इतने सुधी दर्शक है आप लोग सब जानते हो, देखते होइएगा कि
कि बड़े बड़े दावे करने वाले जो यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ के बड़े बड़े दावे, हाँ हम देख लेंगे, हम दुनिया को इधर से उधर पलट देंगे, हम जो कहते हैं वही होता है। किसी आदमी ने संजीव से खिलाफ बोला क्या? मैनेजमेंट का लेवल समझिए, समझिए किस हद तक संजीव हंस का मैनेजमेंट था। लेकिन उस हद को हम पार करके हम तो बार बार बोलते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी टकसाल नहीं बनी जो कुमार प्रबोध को पैसे से खरीद ले। और हमने दिखाया जब हमारे बिहार का पैसा एक अधिकारी आईएएस अधिकारी लूटेगा तो हम उसको हम चुप नहीं बैठ सकते। जब हमको लगेगा कि बिहार की किसी लड़की की असमत लूटी गई है और उस आईएएस अधिकारी को सरकार का संरक्षण मिल रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये सब वो और लोग होंगे जो बिहारी के नाम पर नारेबाजी, राजनीतिक नारेबाजी करते हैं और जब संजीव हंस का मामला आता है तो वो चुप हो जाते हैं। वो उनकी जुबान ऐसे बंद होती है कि जैसे मतलब आप कहिए कि कुछ देखा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो हम उन लोगों में से नहीं है। संजीव हंस के काले करतूत जो है अब वो सामने आ गई है, संजीव हंस के सारे काले कारनामे। और अब किसी भी छिन दिन उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। सरकार का यह पत्र बता रहा है, सरकार ने जो आज उनको ट्रांसफर उनको जो है पदमुक्त किया है, ये बता रहा है कि संजीव हंस के खिलाफ किसी भी क्षण अब गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है, चारों ओर से शिकंजा कर सकता है। हमारे संपादक गणेश सम्राट ने कल ही आपको बताया था कि ईडी ने जो है वो आखिरी शिकंजा कस लिया है, और आखिरी शिकंजा कस लिया है ईडी ने। संजीव हंस के साले के घर पर छापेमारी हुई थी, संजीव हंस के सीए घर पर छापेमारी हुई थी, और ईडी के एक सोर्स ने बताया कि सीए ने सारे राज उगल दिए थे कि किस तरीके से देखा बताइए। बड़े बड़े कारोबारी 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, और बिहार के किसी अधिकारी को चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने का क्या मतलब भाई? उसके पैसे का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे। वेतन भोगी कोई आदमी, कर्मचारी, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, उसको 3-3 सीए रखने की जरूरत क्या पड़ी थी? आप सोचिए कितने काले, कितने पैसे का जो है वो हेर फेर और लेन देन हो रहा था कि 3-3 सीए जो है वो रखा गया था। संजीव हंस का काम देखे, संजीव हंस की पत्नी के नाम पर जो कारोबार हो रहा था, हरलवलीन कौर जो है उनके नाम पर जो कारोबार हो रहा था, वो सब 3-3 अधिकारी, 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका काम देख रहे थे। और ये सारी बात हम फिर कर रहे हैं, आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार को संजीव हंस की करतूतों की जानकारी कम से कम 15 महीने पहले से थी। पटना पुलिस की रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि संजीव हंस पर रेप का आरोप सही है। एक महिला, पीड़ित महिला आरोप लगा रही थी कि संजीव हंस ने मेरे साथ रेप किया और रेप के कारण हमें बच्चा हुआ, उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लीजिए, वो संजीव हंस का बच्चा निकलेगा। इसके अलावा तमाम तथ्य थे ये कारनामे सामने, पुलिस को गवाह ने गवाही दिया कि संजीव हंस ने जो है वो संजीव हंस जो है उससे बड़े प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर बड़ा के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी, अपने मित्र के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, बेनामी संपत्ति खरीदी है, ये पटना पुलिस को गवाह ने बताया था पिछले साल। और उसके आधार पर पटना के एसएसपी ने कहा था कि इसकी स्पेशल विजिलेंस यूनिट से जांच कराई जाए, जांच तो हुआ नहीं। संजीव हंस को मलाईदार पर मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही थी। आप समझिए खेल कहां से है। और जब डर सताया, जब जो खेल करने में लोग बैठे थे उनको डर सताया, तो आज संजीव हंस की जो है वो उसको पदमुक्त उनको किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग संजीव हंस को संरक्षण दे रहे थे उनके साथ क्या होगा? क्या वो वाशिंग मशीन में धुल गए हैं? कहा जाता है, विपक्षी पार्टियां कहती है कि बीजेपी के पास एक वाशिंग मशीन है, इस वाशिंग मशीन में कोई किसी आदमी घुसा दो तो वो करप्शन के सारे चारे खुल जाते हैं। तो भाई साहब, बीजेपी के नेता लोग जब दूसरे राज्यों में किसी अधिकारी और मंत्री पर के खिलाफ कुछ मामला आता है तो कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री का दोष है। बिहार में नीतीश कुमार पुलिस विभाग के मंत्री, गृह मंत्री है, एक सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ पटना पुलिस के एसएसपी ने जो है वो रिपोर्ट निकाली। क्या नीतीश कुमार को अपने विभाग की जानकारी नहीं थी? नीतीश कुमार के पास एक विभाग है, पुलिस विभाग। उस विभाग में एसएसपी ने आज से 15 महीना पहले रिपोर्ट दिया कि संजीव हंस पर रेप का आरोप जो है वो सही है। और नीतीश कुमार के पास एक और विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग। उस विभाग ने क्या किया? संजीव हंस को मलाईदार पोस्टिंग दे दी।
आप समझिए खेल कहां से हो रहा है। मामलों में पाक साफ है, नीतीश कुमार जो है वो उनके उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे क्या नीतीश कुमार को पुलिस की रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी अपने सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ? क्या एक महिला जब चीख चीख के कह रही थी कि हमारे ऊपर हम पर जो है वो हमारे साथ रेप किया गया संजीव वंश द्वारा, देश के अलग अलग बड़े शहरों में 5-star होटल में ले जाकर और ब्लैकमेल करके, तो जब वो लेटर महिला भेज रही थी तो क्या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को उसकी जानकारी नहीं थी? उनके पास भी लेटर भेजा गया था। और इन सबके बावजूद अगर उन्हीं का विभाग समान प्रशासन विभाग संजीव वंश के बलागार पोस्टिंग कर रहा था तो जिम्मेवार कसूरवार कौन है? केवल संजीव वंश? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, आज ना देना पड़े कल देना पड़े, हम इंतजार करेंगे, लेकिन सरकार से सवाल पूछना जारी रखेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।